135 पे एक टॉपिक का डर नहीं है कि रप्चर हो जाएगी बीटा एचसीजी, सिर्फ 1000 पे तो यूरिन टेस्ट पॉजिटिव है, और जब तक यूरिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया एक टॉपिक से नहीं डरना, इतना भी नहीं डरना एक टॉपिक से। 135 पे तो राई का दाना भी बहुत बड़ा है, उससे भी छोटा होता है, कहीं भी होगी चाहे ट्यूब में या यूट्रस में दिखाई नहीं देगी। और मिथो ये लगा दिया आपने उसको सुखाने का कि ट्यूब में ना हो, यूट्रस में नहीं दिख रही, तो वो सही नहीं है। मैं बताती हूँ, आप कह रहे हो कि मुझे एक टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं मिली, तो आपके 3 बार हुए, इसमें 2 बार तो आपने इंजेक्शन ही लगवा लिया कि एक टॉपिक ना हो। जी। इतनी कॉमन नहीं है एक टॉपिक, ग्रो नहीं कर रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर ट्यूब में ग्रो नहीं कर रहा तो भी बहुत अच्छी बात है, समझ गए। अगर ट्यूब में एक्चुअली ट्यूब में खुद ही ग्रो नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि ट्यूब में उसको ब्लड सप्लाई मिलती है वो ग्रो करता है, है ना। जैसे ये ओवरी है इधर ट्यूब में से आया, और इसमें स्ट्रेच होने की कैपेसिटी होती है यूट्रस में, ट्यूब में यहाँ पे आ गया, हमें नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा। और बीटा एचसीजी आपका लेस देन 1000 है, कोई डर नहीं है। अगर 1000 से ज्यादा हो तो फिर नहीं, ज्यादा होगा तो फिर दिखेगा भी, दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगे। इस बार मेरा 4700 आया फर्स्ट पे एचसीजी जब, और कहीं नहीं दिखा, कहीं दिखा ही नहीं, तो वो ग्रो करना बंद कर गया, कहीं ना कहीं था और ग्रो करना बंद हो गया ऑटोमेटिकली। ये तो मतलब हर महीने प्रेगनेंसी होती है जो ग्रो नहीं करती, हर महीने बढ़ा के बता रही हूँ कि आपको याद रहे, समझ आए कि साल में 4-5 बार ग्रो कर बनती है, एगोस्पर्म मिल जाते हैं, यहाँ से एग रिलीज हुआ, यहाँ तक आया स्पर्म, यहाँ से गए, यहीं पे सेटल हो गए, चलो हो गए, लेकिन ये कहीं ना कहीं से मिल के इधर भी आए, यहाँ भी इम्प्लांट हो गए, लेकिन ये ऐसे मल्टीप्लाई करते गए, बस 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 64 स्टेज पे, 64 सेल स्टेज पे अगर कुछ बन ही नहीं पा रहा। अब ये तो करिश्मा है ना कि कैसे बन जाता है, एक सेल से कहाँ आईज बनने शुरू हो जाती हैं, एक साइड पैर बनने शुरू हो जाते हैं, एक साइड हेड बनना शुरू, हेड एंड टेल अपने आप इसमें बन जाता है, जैसे गोल था पहले, बिल्कुल गोल होता है, इसे धीरे धीरे या नेक्स्ट डे देखते हैं ये लंबा हो गया, यहाँ पे ऐसे आईज सी दिखने लगी, यहाँ पे टेल सी दिखने लगी। अब ये तब होता है जब सारे क्रोमोजोम, ये तुमने सुना ही होगा, तुम कह रही मैंने आपकी सारी वीडियो देखी, ये भी देखा होगा कि क्रोमोजोम जो होते हैं ये 23 में जब ये मिला तो 23 जोड़े बन गए, वो जोड़े सही नहीं बनते, जो मैं कह रही हूँ हर महीने होती है उसमें जोड़े सही नहीं बनते, कोई 10 में से 1 बार सही बनता है कि सब जुड़ गए, वो कितना बड़ा करिश्मा है कि 1 से 1 23 धागे अलग अलग रंग के इधर पड़े हों, इधर पड़े हों, उनको मिला दो और वो अपना अपना जोड़ा ढूंढ लें, कितना करिश्मा है। ये होता है नेचर में अंदर से, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता। अब वो ट्यूब जब तक वो दिखे नहीं फट कैसे सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कम से कम ये 1 इंच 25 mm, इसलिए बता रही हूँ याद रहे, 2.5 सेंटीमीटर से बड़ी नहीं होनी चाहिए ट्यूब में। अगर हमने देना है इंजेक्शन, मान लो 2 सेंटीमीटर 20 mm की दिख रही है ये, है ना, तो हम देंगे मिथोट्रेक्सेट कि ये सूख जाए, फिर ट्यूब में है हमें दिख भी रही है और ये सूख जाए, ये 90% चांस से खुद ही सूख जाएगी, खुद ही नहीं ग्रो करेगी, वहाँ पे उसको ब्लड सप्लाई थोड़ी मिलेगी जो यहाँ मिल रही है, है ना, तो ये खुद ही नहीं ग्रो करेगी, तो आपके लेवल नीचे जा रहे हैं, तो चाहे यहाँ थी भी चांसेस हैं कि ये खुद ही नहीं ग्रो करेगी, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, जो मिला वो 23 जोड़े ढंग से नहीं मिले, इसलिए ग्रो नहीं करेगी। यहाँ पे क्यों नहीं ग्रो करेगी, अगर मिले भी ढंग से हैं, क्योंकि यहाँ इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, यहाँ लाइनिंग नहीं है वैसी जैसी यहाँ पे ब्लड सप्लाई, लेकिन कोई केस ऐसा हो सकता है जिसके इधर वाला ऐड ना जाता है ना, यहाँ पे तो बस अभी इसकी लाइनिंग से वो ले लेगा खुराक कुछ और ग्रो कर सकती है, और करे ना करे हम वेट ही करते रहें इतने रप्चर ही हो जाए, तो सब किताबों में लिखा है 1 इंच 25 mm की हो गई है, फिर हमें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करना, फिर इसे निकालना है।
पता मैंने तो 3.5 की भी देखी है, रप्चर नहीं कर रही है। जब मैंने निकाला, जैसे आज तुम्हें देखा, भेज दिया, तुम बाई चांस नहीं आए, और फिर जब नेक्स्ट टाइम आए तो देखा तो बहुत बड़ी होगी, धड़कन तक आ गई, रप्चर तब भी नहीं करी। लेकिन वो सब केस अलग है। अभी हमारी एक टॉपिक वाली गई, चली गई, अभी ड्रेसिंग करके भेजा उसको। इसका तो था ही नहीं साइज इतना, इसका कितना, हाँ इसका भी 33 mm आया था। 33 पे भी मैंने सोचा चलो इंजेक्शन लगा के देखती हूँ, वॉच कर लूँगी, अल्ट्रासाउंड तो हमारे पे है ही, कंटिन्यूस अल्ट्रासाउंड से देखते रहेंगे थिएटर तैयार करके। लेकिन एक घंटे बाद ही हमने देखा इसे बहुत तेज़ दर्द हुआ, एकदम से सर्जरी करी, तो ऑलमोस्ट हमारे देखते देखते रप्चर हो गया। तो 33 mm भी ज़्यादा है, 2.5 जो है ठीक है। हर विजिट पे डॉक्टर ने पूछा कोई पेन तो नहीं है? हाँ बहुत अच्छा, अच्छी बात है। तो अब मैं ट्यूब में ध्यान याद रहना चाहिए कि ट्यूब में भी हो सकते हैं, जब तक कि वो दिखाई ना दे जाए। इसीलिए 5 वीक 6 वीक्स पे कहती हूँ ना मैं, 5 वीक पे नहीं कहती मैं। क्यों नहीं कहती? क्योंकि 5 वीक पे दिखेगी नहीं, हमारे आपकी विजिट अल्ट्रासाउंड की वेस्ट गई। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कब होना चाहिए? 6 वीक्स पे या 10 डेज पे, प्लस 10 डेज में ऑलमोस्ट 6 वीक्स हो ही जाते हैं। आपकी 5 तारीख थी 15 तारीख को, ठीक है, 9 दिन ऊपर 10 दिन ऊपर इसमें दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा तो डर भी नहीं है, ये बता रही हूँ इस वीडियो में आज। ओके, तो फिर कितने टाइम बाद करा? अगर दिख ही नहीं रहा और आपका HCG 4500 भी आ गया, अच्छा दूसरा ये गाइडलाइन तो 22.5 की है, प्लेन पेपर दो, इसी का बैग इसको याद रहेगा, इसी को देना। तो साइज तो हमारा एक्टोपिक का लेस देन 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, दिखना भी चाहिए, फर्स्ट थिंग है कि दिखना चाहिए, और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। इस पर मैनेज करना है, इसको इंजेक्शन लगाना है विद इंजेक्शन। इससे बड़ा है तो फिर खोलना चाहिए कि इंजेक्शन लगाया, वेट करते रहे, या बिल्कुल निगरानी में। अब 2 पेशेंट आए थे, एक का कुछ नहीं हुआ रिग्रेस कर गया, एक का थ्रेटनिंग हो गया, बहुत पेन बढ़ता चला गया, तो फिर हमने खोल के किया, ट्यूब फिर भी बच गई उसकी। हाँ एकदम, इतना साइज अपने अपने अलग है, ट्यूब का साइज अलग है, उसकी इलास्टिसिटी अलग है ना। और ये भी बात है, जितने लंबे चौड़े लंबे होते हैं ना, बड़े होते हैं, उनका हर ऑर्गन बड़ा बड़ा होता है। लेकिन जिसका रप्चर हुआ उसका 33 mm था, तो एकदम हमने बिल्कुल ऐसे रखा अपने सामने, तो 1 घंटे में डिसाइड हो गया कि नहीं, चाहे रप्चर नहीं हुई है लेकिन इसे हमें सर्जरी करनी चाहिए, और करते करते हो गई। बहुत शुक्र मनाया। और दूसरा जो है BTHCG का, अगर देखें तो 5000 तक कोई डर नहीं है, 5000 तक ऐसे नहीं होगा कि रप्चर हो जाए। रप्चर होने के लिए इतनी बड़ी तो होनी चाहिए ना चीज़, जो प्लेसेंटा है वो उसको कुरेदेगा, है ना, प्लेसेंटा के थ्रू ही तो उसमें भरेगा, अंदर तो फिर भी बहुत छोटा होता है, फीटस तो बहुत ही छोटा होता है, प्लेसेंटा ही बड़ा होता है, जो जब उसको वॉल को, जैसे एक टॉपिक ऐसे समझ लो, ये वॉल में कई बार नहीं हो जाता प्लांट दीवार पे, अब ये जरा सा इतना सा है तो ये थोड़ी दीवार को तोड़ देगा, अब ये थोड़ा बड़ा होगा तभी तो इसमें क्रैक आएगा। हाँ तो इतना भी नहीं डरना, एक टॉपिक से डरना ज़रूर है, अगर दिमाग में नहीं आया तो हम मिस करेंगे, मतलब फिर अल्ट्रासाउंड ही नहीं कराएंगे। तो पहले ये रप्चर करके ही आती थी, जो खुद ख़त्म हो गई वो हमें पता ही नहीं, उनको हम सोचते थे अब मतलब ये ग्रो नहीं करें, यूट्रस में ही थी, ग्रो नहीं करें, अब से 20 साल पहले 18 साल पहले तो साल में 1 एक्टोपिक आती थी, आज की डेट में एटलीस्ट हर महीने तो 1 आई जाती है, क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, हमें पता चल जाता है। फिर अगर हमें नहीं दिखाई देती है, दिख गया UPT पॉजिटिव आ गया और अल्ट्रासाउंड में दिख गया, ख़त्म बात, फिर उसको बार बार BTHCG नहीं कराना। अगर नहीं दिखा तो अल्ट्रासाउंड ही कराना है, BTHCG बढ़े ना बढ़े अल्ट्रासाउंड में दिखेगा, अल्ट्रासाउंड में दिख गया ट्यूब में है, फिर BTHCG कराना है कि ये खुद कम हो रहा है कि हमें कम करना है, या फिर हमें इंजेक्शन लगा ही देना, उसकी वेट नहीं करनी। लेकिन 90% टाइम हमारा इंजेक्शन भी ज़्यादा ही ओवर ट्रीटमेंट है, उसने खुद ही रिग्रेस करना था, लेकिन हमें नहीं मालूम कि कौन सा रिग्रेस करेगा और कौन सा बढ़ेगा, इसलिए हम अगर जैसी ट्यूब में दिखाई देगा हम तो इंजेक्शन लगा ही देंगे, वो सेफ है, सेफ है उसका कुछ, उससे बस TLC WBC काउंट कम होता है, वो देखना होता है डेली डेली, ये भी और HCG भी, BTHCG भी, ये देखना पड़ेगा एक दिन छोड़ के, डिपेंड करता है ना कितना लेवल है, कितना हमें डर लग रहा है, और अलग अलग लैब का अलग अलग आता है,
आज आपने एक लैब से कराया 4000 आया, दूसरी लैब से आज ही कराओगे तो हो सकता है 6 आ जाए या 2 आ जाए। तो हमें लेवल से नहीं इतना फर्क पड़ा, हमें यह है कि हमारा लेवल कम होना चाहिए। और अगर बढ़ रहा है तो दिखाई देगा, 5000 के ऊपर दिखाई देगा कहीं ना कहीं। तो आप तो बहुत ही जल्दी 45 बन, कितना बन, 35 आया, इंजेक्शन लगा लिया, तो वो खुद ही रिग्रेस कर रहा था। या उसमें गलती होने के चांस क्या है कि अगर यूट्रस में भी था वो, है ना, कभी महीने के शुरू में प्रेगनेंसी हो गई, 7-11 दिन हो गई, और कभी 20 दिन हुई, तो 7-8 दिन का तो डिफरेंस यही पड़ सकता है ना। तो अगर देर से हुई तो वो देर से ही दिखाई देगा, अगर 20 दिन ठहरी है तो वो और बाद में दिखाई देगी। मुझे नवंबर में आई थी पीरियड 14 को, 14 नवंबर। चलो बाय कर दो, अभी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स की बहुत नॉलेज हो गई, इनका क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन ओपन हो जाता है, मुश्किल है, नहीं होता नहीं है, इसीलिए मैं कहती हूँ कॉपर्टी लगवाओ। थायराइड वालों को तो कॉल ही करना पड़ेगा, इतना नहीं है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट समझाया जा सकता है। जिसके अननेसेसरी डर बैठे हुए ना, उनकी ही बात है कि अननेसेसरी। अब आप ट्यूब का ही धीरे धीरे नॉलेज हो गई तो इतना डर बैठ जाए। हाँ, पेन है राइट में, लेफ्ट में, स्पेशली राइट लेफ्ट में, तो आपने बताना है एक ही जगह होती रहे, एक ही जगह। हाँ, ये नहीं कि कभी यहाँ कभी वहाँ, जहाँ पे वहीं स्ट्रेचिंग आपको फील होगी। अगर आपको लग रहा है राइट में तो वो राइट में होता ही रहेगा, एक ही जगह पे एकदम से शार्प। और इसके अलावा अपेंडिक्स हो सकती है, ये नहीं कि खाली ट्यूब ही हो सकती है कि गायनी का पेशेंट है तो उसको कोई और बीमारी नहीं होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।